हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल माई हैंड कुक पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेस्टी शाही पनीर की रेसिपी। इसमें ना तो हमने यूज़ किया है टमाटर का, ना प्याज का, ना ही लहसुन का। तो चलिए बनाते हैं टेस्टी सी शाही पनीर की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, 1 कप लिया है दही। दही हमने फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं लेना है। और इसमें से थोड़ा सा पनीर हमने ग्रेवी के लिए बचा लिया है। अब हमने लिए 4-5 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। अब इसमें लिया है हमने 2 चम्मच खरबूजे के बीज का पाउडर और 8 से 10 काजू। अब हम इन सबको डाल देंगे एक मिक्सी में और इसके फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमने इस मिक्सी में सबको डाल दिया है। तो ये खरबूजे के बीज का हमने पेस्ट इसमें डाल दिया है और अब हम इन सबको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम लेते हैं एक पैन और पैन में डालते हैं 2 चम्मच ऑयल। अब इस ऑयल के अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे। तो इसमें हमने ले लिया 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग ले लिए, 1 दालचीनी ले लिए, 4 से 5 काली मिर्च ले लिए हैं और 3 से 4 हम ले लिए हरी इलायची। इन सबको हम ऑयल के अंदर हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च और अदरक और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हमने ले लिए मसाले। इसमें ले लिया हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे दही। अब दही को हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे और इसको धीरे धीरे चला लेंगे और हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये फटे ना। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भुना हुआ बेसन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी ग्रेवी जो हमने बनाई थी पनीर की और काजू और मगज के बीज की। अब इसको डालने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हमने ले लिया है पनीर। पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। तो इसमें हमने ले लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और इनको सबको डाल के मैरिनेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हम ले लेंगे एक पैन, उसके लिए उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे पनीर और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे। अब अच्छा सा सिक जाएगा तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम डाल देते हैं ग्रेवी में। तो ग्रेवी में डालने के बाद इसको मिला लेंगे। तो हमने सारा पनीर इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब और हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमें लास्ट में डालना है, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई हमारी शाही पनीर की रेसिपी। अब इसको हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी सब्जी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी लग रही है। तो अब हम इसको सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई हमारी शाही पनीर की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में। हरे कृष्णा।